इजराइल ते फिलिस्तीन विचाले चल रही जंग दरमियान एयर इंडिया ने इजराइल तो एयर इंडिया दी उड़ाना रद्द कर दित्तियां ने। एयर इंडिया दे बुलारे ने कहा कि साडे यात्रियों ते चालक दल दी सुरक्षा दे मद्देनजर ए फैसला लिया गया है। इसे दे तहत हुण एयर इंडिया दी उड़ाना 14 अक्टूबर तक मुअत्तल रहणगियां। इसे समय दौरान जिन्हां लोकां ने बुकिंग करवाई सी उन्हां नूं हर संभव सहायता प्रदान करन दा वी दावा कीता गया है। एयर इंडिया हर हफ्ते तेल अवीव लई 5 उड़ाना चलाउंदी है। इस तों पहलां शनिवार नूं वी नवी दिल्ली तों तेल अवीव जाण वाली फ्लाइट नंबर AI-139 अते वापसी फ्लाइट AI-140 नूं रद्द कर दिता गया सी। शनिवार 6 अक्टूबर नूं हमास ने इजराइल ते हमला कीता। उदों तों ही दोवां मुल्कां विचाले जंग जारी है। इस जंग विच हुण इजराइल दे विच करीब 300 लोकां दी मौत चुकी है ते करीब 1590 लोग जख्मी ने। इस दे नाल ही गाजा दे विच वी 232 लोकां दी मौत हो चुकी है ते 1790 लोग जख्मी दसे जा रहे ने। गाजा दे विच मौजूद फलस्तीनी सेहत मंत्रालय दे वल्लों जारी बयान मुताबक पिछले 24 घंटियां दरमियान 256 फलस्तीनी नागरिकां दी मौत दी पुष्टि होई है, जिन्हां दे विच 20 बच्चे शामिल ने। इस तों बिना 1788 फलस्तीनी जख्मी हो गए ने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास दे हमले नूं लैके जंग दे ऐलान करदे होए कहा कि दुश्मनां नूं इस दी भारी कीमत चुकाउणी पएगी। इजरायली फौज मुताबक हमास दे कट्टरपंथियां ने गाजा पट्टी तों 2000 तों वध रॉकेट ताके ने। जवाब दे विच फौज ने गाजा शहर दे केंद्र दे विच स्थित इक टावर नूं वी ढा दित्ता है। इजरायली फौज ने कहा कि हमास ने हवाई अते समुद्री सरहद ते 7 थावां तों घुसपैठ दी कोशिश कीती है अते उन्हां वल्लों मुंह तोड़वा जवाब दित्ता जा रहा है।